Stone tools. Stone tools have been found. Stone tools have been found from many sites as well. Stone tools भी बहुत सारे sites से पाए गए हैं, मतलब पत्थर के टुकड़े जो हथियार हैं. Many of these are different from the earlier Paleolithic tools and that is why they are called Neolithic. और बहुत सारे जो हैं वो Paleolithic के टाइम से क्या है वो अलग है. पैलियोलिथिक में बोले ही कि उस टाइम जो टूल्स होते थे वो थोड़े से मोटे होते थे, उतने शार्प नहीं होते था ना. और न्यूलिथिक में वो जो है वो थोड़े शार्प हैं, है ना. इवन उनमें बोन्स के पीछे से जो है वो मतलब लगा हुआ है सपोर्ट के लिए, हड्डी का मतलब लकड़ी का भी लगा हुआ है ना. और ये थोड़े शार्प हैं, मजबूत हैं, है ना. तो ये न्यूलिथिक. दीज इंक्लूड टूल्स डैट आर पॉलिश्ड. दीज इंक्लूड टूल्स डैट वेयर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज. और इसमें क्या होते हैं फाइन कटिंग एज जो है उसमें यूज है न्यूलिथिक वाले में. एंड मोटर्स एंड पिस्टल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट्स प्रोड्यूस. और जो है मोटर और पिस्टल्स का भी पाया गया है ना, जो कि उनको यूज जो है वो अनाज को पीसने के लिए और प्लांट के कुछ और भी पार्ट को प्रोड्यूस पीसने के लिए. मोटर एंड पिस्टल्स की बात करें तो इस तरीके से ओकली वगैरह होते हैं ना, तो मोटर एंड पिस्टल एंशियंट टाइम वाले देख लेते हैं. एंशियंट मोटर एंड पिस्टल की अगर बात करेंगे तो इस तरीके से जिसको जाँता बोलते हैं हम लोग, जाँता ये सिल्वर लोड़ा हो गया है ना, ये इस तरीके से इसमें कुछ पीसने वाले हो गए है ना. तो इस तरीके से इस सब चीज़ को भी क्या मिलते हैं, है ना. तो इस तरीके चीज़ मिले हैं तो ये सब चीज़ मिलते थे. मोटर्स एंड पिस्टल आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे. आज भी इसका इस्तेमाल किया 7000 ईयर लेटर, इसके हजारों साल के बाद भी. एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज. और पैलियोलिथिक के टाइम से ही जो है मतलब पत्थर हैं वो यूज़ हो रहे हैं. एंड रिमेंबर सम टूल्स वेयर ऑल्सो यूज मेड ऑफ बोन. और याद रखो कुछ जो है वो टूल्स किसके हड्डी के भी बने हुए हैं ना. ये देखो नहीं कुछ पत्थर के टूल्स हैं जिसका यूज़ होता होगा काटने वटने में. मेनी काइंड ऑफ अर्थन पॉट्स हैव बिन फाउंड. बहुत सारे बर्तन जो है घड़े वगैरह पाए गए हैं, है ना. दीज वेयर सम ऑफ डेकोरेटेड, कुछ उसमें डेकोरेट किए हैं. एंड वेयर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स को स्टोर करने के लिए भी. पीपल्स बिगिन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड. लोग जो हैं वो क्या खाना को पकाने के लिए भी, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस व्हीट्स एंड लेंटिल्स डैट नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट. जैसे बात आज भी हम लोग गेहूँ चावल वगैरह खाते तो वो लोग जो है घड़े में इस तरीके से इसे घड़े में ही बनाते थे, उसको पकाते थे, है ना, इसका यूज. और व्हाट डू यू हैव इन स्टोर इन दिस जार. इस जार में क्या रखा जाता होगा, अनाज वगैरह, पानी वगैरह. और आज भी हम लोग रखते हैं इसमें पानी वगैरह ठंडा रहता है. तो बिसाइड द बिगिंस वीविंग क्लॉथिंग यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन. कॉटन वगैरह भी वो लोग क्या अब जो है हम लोग उगाते हैं ना. बिगेन वीविंग क्लॉथ, दे बिगेन वीविंग, वो लोग कपड़े मतलब कपड़े बुनना स्टार्ट कर दिए. देर डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, अलग अलग मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल कॉटन डैट कुड नाउ बी ग्रोन. आज जो हम लोग कॉटन उगाते हैं. डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस. क्या ये जो सारी चीज़ें हैं, डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर, सारी चीज़ें चेंज हो गई एंड ऑल एट वंस, एक चेंज हो गया. और नहीं हुआ, नॉट क्वाइट. इन मेनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड. आज भी बहुत सारे जो एरिया हैं जहाँ पर आदमी और जानवर क्या शिकार करते हैं, फूड्स को इकट्ठा करते हैं. इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में ही देख लो, बहुत सारा आसाम वगैरह सब जो एरिया है वहाँ पर अभी भी होता है सब चीज़. एंड एल्स वेयर पीपल एडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली. और भी कहीं कहीं जो लोग हैं वो क्या खेती वगैरह हर्डिंग स्लोली धीरे धीरे वो क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, है ना, ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स. आज भी कई हजारों साल के बाद. बिसाइड इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज डूइंग डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन. और इसके तहत और भी लोग जो है बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं, अलग अलग सीजन में अलग अलग काम करते हैं, है ना. एक नेक्स्ट है अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, है ना. एक क्लोजर लुक देखिए, एक मतलब थोड़ा सा लुक कि भैया उस टाइम जो लोग हैं ना वो मेहरगढ़ जो है उस टाइम वहाँ पर मेहरगढ़ जो है हम आपको दिखाए थे. मेहरगढ़ देख लो, पहले आप फिर से देख लो मेहरगढ़ के बारे में कहाँ है. तो ये देखो मेहरगढ़ जिसको आपको यहाँ पर मेहरगढ़ यहाँ भी है, यहाँ भी है ना. तो यहाँ के बारे में देखना है कि वहाँ पर जो लोग कैसे रहते थे, मरते थे तो क्या होता था उसके बारे में, है ना, थोड़ा सा. तो फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप टू. दिस साइट इज़ लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन. ये जो साइट है फर्टाइल प्लेन पे नियर बोलन पास, है ना, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इन टू ईरान. बोलन पास जो है वो ईरान की तरफ रूट जाता है, है ना. ये बोलन पास मतलब दर्रे होते हैं, इधर से आदमी ईरान की तरफ चला जाएगा. यहाँ पर देखो आप ये मेहरगढ़, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान, इधर से ईरान होते हुए चला जाएगा. तो ये वहाँ पर पाए जाते हैं मेहरगढ़, वहाँ एक प्लेन प्लेस है. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ कि दिस इज साइट ऑफ लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इन टू द ईरान. मेहरगढ़ वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल्स लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट. मेहरगढ़ वो जगह है जहाँ पर लोग क्या बार्ले और वेट
उगाना स्टार्ट किए थे यहाँ रियर एंड शिप एंड गॉट शिप और बकरी को भी यहाँ पालना फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज एरिया और इस एरिया में पहली बार. इट इज़ वन ऑफ द ऑलिएस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट. ये सबसे पुराना विलेज जिसके बारे में लोग जानते हैं. एट दिस साइट मेनी एनिमल्स बोन वेयर फाउंड. यहाँ पर बहुत सारे जानवरों के हड्डी भी पाए गए हैं. बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर्स एंड पिग्स एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शिप्स एंड गॉट आल्सो फाउंड. तो भेड़ के सुअर के हड्डी ये सब जो है बकरी के भी ये सब भेड़ के भी मतलब सबके हड्डी क्या पाए गए वहाँ पर हिरन वगैरह के. अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इनक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस. ईच हाउस हैड फोर और मोर कंपार्टमेंट सम ऑफ विच हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज. मेहरगढ़ में जो है वो देखो रेक्टेंगुलर हाउस की भी मिली. देखो इस देखो रेक्टेंगुलर हाउस है और हर घर में लगभग चार कंपार्टमेंट हैं. एक कंपार्टमेंट जनरली जो है क्या होता होगा जहाँ पर स्टोर किया जाता होगा अनाज वगैरह को स्टोर किया जाता होगा जनरली एक में रहा जाता होगा इवन तो अलग अलग करते हैं. वैन पीपल डाई देयर ये बोल रहे हैं ए हाउस इन मेहरगढ़ दिस इज दैट दिस इज व्हाट अ हाउस इन मेहरगढ़ मे हैव लुक लाइक. ये मेहरगढ़ में इस तरीके के घर दिख गए थे ना. इन व्हाट वेज इन दिस हाउस सिमिलर टू द वन इन विच यू लिव. क्या ये हमारे आज की तरह ही है. हाँ जनरली हम लोग भी इसी तरीके से घर बनाते हैं रूम स्क्वायर वाइज. वैन पीपल डाई देयर रिलेटिव एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू दैट. जब लोग मरते थे तो उनके जो रिलेटिव रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं उनका रिस्पेक्ट करते थे ना. उनको रिस्पेक्ट से मतलब जो कब्र में डालते थे इवन उनको मानना था कि पीपल लुक आफ्टर. देखो ए बरियल फ्रॉम मेहरगढ़ कैन यू आइडेंटिफाई द स्केलेटन ऑफ द गॉड्स. एक ये देखो ये जाहिर बात एक बकरी है ना. ये दोनों बकरी है और ये आदमी है. किसी को आदमी को मतलब इसको बरी किया गया दफनाया गया है. पीपल लुक आफ्टर them perhaps in the beliefs that there are some in form of life after death. लोगों का मानना था कि मतलब इस जीवन के बाद भी मौत के बाद भी कोई जीवन होता होगा. इसलिए वो लोग क्या उसके साथ उसका मतलब बकरी वगैरह को भी दफन कर देते थे है ना. मारते नहीं थे बकरी बकरी जिंदे रहते थे कि भैया वहाँ जहाँ जाएगा तो वहाँ भी उसको खाना वगैरह जरूरत होगा तो इसे वो खाना वगैरह खाएगा है ना. बरियल इज वन सच अरेंजमेंट. बरियल एक ऐसा अरेंजमेंट होता था. सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़. मेहरगढ़ में बहुत सारे इसी तरीके से कब्र मिले हैं. इन वन इंस्टेंस एक झलक में ही द डेड पर्सन हु वाज बरीड विद गॉड. एक में तो देखा गया वही बताया कि जो उसके साथ बकरी को भी दफनाया गया था. विच वेयर प्रोबेबली मेंट दैट सीवियर एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड. जिससे कि भैया वो अगले दुनिया में जब जाएगा मान लो मानना है तो लोग वहाँ क्या वो उस बकरी को खाएगा या जो भी है उसके साथ रहेगा ना. तो इस तरीके से आप देख लो मतलब थिंकिंग देखो. उसके बाद देखो एज वेयर केव पेंटिंग इन फ्रांस. फ्रांस में भी केव पेंटिंग पाया गया. फ्रांस अगर बात करें फ्रांस की तो फ्रांस में आपको दिखाऊं तो फ्रांस के बारे में हम लोग अभी मेरा एक लेक्चर भी है नाइन्थ क्लास का फ्रेंच रिवोल्यूशन है ना हिस्ट्री की है ना. तो फ्रांस के बारे में उसमें तो पूरा कहानी है ना. तो फ्रांस यूरोप में है ना. फाइंडिंग फ्रांस इन एटलस में आप फ्रांस देखो तो मैं आपको दिखा ही देता हूँ. फ्रांस ऑन वर्ल्ड मैप देखो ये रहा. तो सम वेयर हाउ फ्रांस 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 वर्ल्ड मैप वर्ल्ड मैप. चलो ये ठीक है. ये देखो ये इंडिया है और ये रहा फ्रांस यहाँ पर है ना. तो ये फ्रांस फ्रांस का बात हो रहा है यहाँ पर ठीक है. आपने देख लिया उसका. तो फ्रांस की बात करेंगे तो फाइंड फ्रांस इन एटलस द पेंटिंग बिलो फ्रॉम द केव इन फ्रांस. ये जो पेंटिंग है वो फ्रांस के किसी गुफा की है पेंटिंग. दिस साइट वाज डिस्कवर्ड बाय फोर स्कूल चिल्ड्रन. ये जो साइट है वो चार स्कूल बच्चे जो है उसको डिस्कवर किए थे. स्कूल के बच्चे होंगे खेल रहे होंगे वहाँ चले गए खेलते गए तो उनको देखा तो फिर तो ही बोल रहा है दिस साइट वाज डिस्कवर्ड बाय फोर स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 ईयर्स अगो. मतलब लगभग 100 साल पहले इन सब की बात है. पेंटिंग लाइक दिस वेयर मेड बिटवीन 20,000 and 10,000 से अगो. और इस तरह की जो पेंटिंग है वो 20,000 से 10,000 साल पहले बने होंगे. यानी कि कौन से पीरियड में बात हो रही है तो ये मेसोलिथिक पीरियड में जनरली ये बने होंगे क्योंकि 20,000 से 12,000 तक पैलियोलिथिक था. फिर 12,000 के बाद 10,000 तक वो मेसोलिथिक था. तो ये लगभग वही 10,000 तक या 10,000 नियोलिथिक. मेनी ऑफ दिस वेयर एनिमल्स सच एज वाइल्ड हॉर्स ऑरच एंड ओल्डर वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल. कैटल का ही एक मतलब ये भी कोई जानवर है. ऑरच ऑरच को अगर देखा जाए तो देखो मैं लिख ही लेता हूँ ऑरच किस तरीके से है. ऑरच
ये देखो ये जानवर है ओरोची, एक तरह से ओरोच, इसी को ओरोच बोलते हैं। तो ये ओरोच है बाइसन, वूली डायनासोर, रेंडर एंड बियर पेंटेड इन ब्राइट कलर। ये सब जो ये सब जानवर को क्या पेंट किया गया है ब्राइट कलर में। दिस कलर वेयर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक ऑकरे और आयरन ओर। ये जो कलर हैं जाहिर सी बात है जो कलर है किससे बने हैं, लोहे से, आयरन ओर से एंड चारकोल, वो भी वो चारकोल जो कोयला होता है। इट इज़ पॉसिबल डैट दिस पेंटिंग वेयर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन। माना जाता है कि ये जो पेंटिंग बनाते होंगे कुछ ओकेजन होता होगा, कुछ पर्व त्यौहार होता हो तो उस टाइम वो लोग बनाते होंगे। और परहैप्स दे वेयर मेंट फॉर स्पेशल रिचुअल्स, या तो वो कुछ ही धार्मिक रिचुअल्स करने के लिए है ना, कुछ जैसे पूजा पाठ करते हैं तो उस टाइम भी वे बना सकते हैं। परफॉर्म बाई हंटर्स, ये जो है हंटर जो है जो शिकारी हैं वो अगर कोई कर रहे हैं रिचुअल्स बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे, या तो जब वो शिकार करने जाते होंगे तो उससे पहले भी ये इस तरीके से पेंटिंग बना सकते हैं, है ना। तो कैन थिंक एनी ऑफ अदर रीज़न, क्या आप सोच सकते हो दूसरा रीज़न? तो वो लोग ऐसे भी बैठ बैठ के अगर मन कुछ नहीं कर रहा है तो भी पेंटिंग बना सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हो गई, है ना। तो ये देखो ये क्या है कि हाँ ये यहाँ पर एल्सवेयर में थोड़ा सा भी है। ए न्यूलिथिक साइट, न्यूलिथिक साइट क्या होता है, फाइंड तुर्की इन योर एटलस। तुर्की को आप एटलस में देखो, वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्यूलिथिक साइट, ये न्यूलिथिक साइट का एक फेमस साइट है। कैटल हुयू वाज फाउंड इन तुर्की, कैटल हुयू जो है वो तुर्की में पाया गया। सेवरल थिंग्स वेयर अबाउट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस। कैटल हुयू अगर देखा जाए इसको थोड़ा सा, आई थिंक एक मिनट, तो कैटल हुयू देखा जाए तो ये देखो ये मतलब एक पूरा, ये देख रहे हो पूरा एक गांव ही टाइप है ना, एक नगर टाइप बसा हुआ है ऐसा, देखो प्लेस हो इस तरीके से, ज़मीन के अंदर इस तरह से घर मिले हुए हैं। कैटल हायुक हुयुक, तो ये मतलब ये भी एक साइट ही है ना, ये तुर्की में है। मैं आपको तुर्की दिखा देता हूँ, तुर्की किधर है वर्ल्ड मैप, तो इसमें दिखाता हूँ तुर्की तुर्की तुर्की, ये खुल जा, इट्स टेकिंग टाइम समवेयर, ओके नाउ। हाँ तो कैटल वाज फाउंड इन तुर्की, सेवरल थिंग्स वेर ब्राउट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस, फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, कॉरिस फ्रॉम रेड सी, सेल्स फ्रॉम मेडिटेरियन सी। मतलब देखो वहाँ पर जो बहुत सारी चीज़ जो है वो अलग अलग दूर दूर से, फ्लिंट जो है वो सीरिया से लाया जाता था, कॉरिस जो है वो रेड सी से लाया जाता था। अगर इन सब की बात करें आपको थोड़े से मैं नेट चलिए, ओके फाइन। ये देखो ये सेल्स हैं, है ना, ये सेल्स हैं और ये पल्स है, ये देखो तुर्की, ये रहा ये दिख रहा है आपको, ये देखो तुर्की है, ये हमारा प्यारा भारत इंडिया है और ये रहा तुर्की, है ना। ये तुर्की की बात हो रही है कि तुर्की में जो है उस टाइम, ये देखो ये तुर्की, तो तुर्की में ये साइट है मिला हुआ है, है ना, जहाँ पर ये जो सेल है, तो सेल को भी, सेल जैसे ये इस तरीके से घर को सजाने वजाने के लिए, है ना, शेल्स जो है वो सेल्स हो गए, प्लस में इवन क्या था एक और ये था फ्रेंड था, एक काउरीज थे, तो काउरीज, एक मिनट, हाँ तो देखो काउरीज, अच्छा काउरीज ही था, ठीक है, हाँ ये कॉरीज है इस तरीके से, है ना, कॉरीज, है ना। ये फ्लिंट भी देख लो आप, फ्लिंट भी मतलब ये पत्थर ही टाइप होंगे, तो फ्लिंट, हाँ इस तरीके से ये औजार ही हैं, पत्थर हैं, ये सब मतलब ये सब जो है पाए गए हैं वहाँ से, कहाँ से, ये कैटल हुयाक जो कि तुर्की में है, है ना, न्यूलिथिक साइट पाया गया, है ना, यानी कि ये लगभग 10,000 ईयर्स के मतलब बाद का है ना। एंड यूज इन द सेटलमेंट, जो सेटलमेंट में इस सब का यूज़ किया गया है। रिमेंबर देयर वेयर नो कार्ट्स, आप याद करो उस मतलब उस टाइम कोई कार्ट्स नहीं होते थे। मोस्ट थिंग्स वुड हैव बीन कैरिड ऑन द बैक ऑफ द पैक एनिमल सच एज कैटल और बाइपीपल। अब बताओ उस टाइम कोई घोड़ा गाड़ी नहीं होता था, लोग जो है या तो अपने पीठ पे लाद के सारे सामानों को लाते थे या तो किसी जानवर के पीठ पे लाद के लाते होंगे, है ना। कॉरिज एंड सेल्स वुड हैव बीन यूज फॉर, आप क्या कॉरिज और सेल्स का यूज़ किस लिए, सजाने के लिए, जाहिर सी बात है ये सब देखो ये सब घर को वगैरह को सजाने के लिए उसका यूज़ करते होंगे, है ना। तो इमेजिन यू लिव इन अ रॉक शेल्टर ऑन वन ऑफ द पेज नंबर 12,000 हो, आप किसी रॉक शेल्टर में रह रहे हो, योर अंकल इज़ पेंटिंग वन ऑफ इनर वॉल, अंकल जो आपके इनर वॉल में पेंटिंग कर रहा है ऑफ द केव, एंड यू वांट टू हेल्प और आपको मदद करना है। विल यू मिक्स द कलर, क्या तुम कलर को मिक्स करोगे, ड्रॉ द लाइन्स, फिल इन द कलर्स, कलर्स को फिल करोगे, व्हाट आर द स्टोरीज ही माइट टेल यू, कौन सा कहानी आपको वो बता रहा है, मतलब कहने का मतलब कि आप इमेजिन करो कि वहाँ पर हो तो आप क्या करते हो उस टाइम, है ना।
कुछ कीवर्ड थे, हंटर गैदर देख लिए, साइट देखे थे, हैबिटेशन देखे, फैक्ट्री देखे, पैलियोलिथिक देखे, मेसोलिथिक, माइक्रोलिथिक, डोमेस्टिकेशन देखे भी, फार्मर भी देखे, हर्डर्स देखे, नियोलिथिक, वॉरियर्स देखे, सब चीज़ हम लोग देख लिए है ना। तो अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट डेट भी है ना। तो द मेसोलिथिक पीरियड जो है वो 12,000 से 10,000 ईयर्स अगो का था। बिगनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन, लोग जो है वो पालना रखना का, तो 12,000 साल पहले। बिगनिंग ऑफ द सेटलमेंट, मेहरगढ़ में जो सेटलमेंट जो है वो मिलना कब, अबाउट 8,000 साल पहले लोग जो है सेटल होने का मतलब साक्ष्य मिला है। और बिगनिंग ऑफ नियोलिथिक 10,000 ईयर अगो है ना। तो आई होप ये चैप्टर यहाँ एंड होता है ना। ओके तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।